हेलो गाइस, आप सभी का वेगा क्राइम सिमुलर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं इस नीली वाली कार जो कि बहुत ही पावरफुल कार है, इस कार से चलेंगे मिलिट्री एयरबेस। तो गाइस, हम अपनी कार को स्टार्ट कर दिए हैं और मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ चुके हैं। गाइस, मिलिट्री बेस से हम चुराएंगे टैंक और गाइस उस टैंक को लेकर चलेंगे हम एयर स्पेस UFO के पास। तो गाइस, आपको पता होगा वेगा क्राइम सिमुलर में एक दिन UFO आसमान से गिरा हुआ है, जो गाइस वहां पर ख़राब पड़ा हुआ है। अभी तक वो UFO उड़ा नहीं है गाइस। तो हम चलेंगे उस UFO को देखने के लिए और उसमें जो एलियन है रोबोट टाइप, उनसे हमारा मुकाबला होगा। तो गाइस, इसलिए हम लेकर चलेंगे टैंक। तो गाइस, इस सामने वाले सीलिंग से हम चलेंगे मिलिट्री एयरबेस। ओहो गाइस, तो हम वहां से चुरा के, क्योंकि दोस्तों उस UFO में बहुत ही ताकतवर एलियन है जिनसे हमारा अकेले लड़ना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम यहाँ से टैंक साथ में अपने लेकर चलेंगे। तो गाइस, हम मिलिट्री एयरबेस पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम उस टैंक को चुराएंगे, क्योंकि गाइस उस UFO में जो एलियन है उनसे मुकाबला करने के लिए सिर्फ इस टैंक में ही ताकत है। तो गाइस, आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और आप लोग उस UFO को देखे बगैर मत जाना। तो दोस्तों, वीडियो से लास्ट तक बने रहें आप लोग। तो गाइस, मैं पहुंच गया हूं अपनी कार से, अब चलता हूं टैंक में सवार होने। तो गाइस, कुछ टाइम के लिए तो यहां पर भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। ये देखिए दोस्तों, सिक्योरिटी ने गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। अब इन लोगों को ख़त्म करना है गाइस और यहां से निकलना है हमें। तो सामने दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपाचे हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ है। गाइस, आपको अगली वीडियो में अपाचे हेलीकॉप्टर का दिखाएँगे। तो गाइस, आप लोग जो पीछे वीडियो मैं आगे बनाऊँगा उसे ज़रूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, अब मैंने तो गाइस पुलिस आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं अपने टैंक को बैक करके चलता हूँ सीलिंग वाले रास्ते से। गाइस, हम लोग फिर चलेंगे। तो गाइस, हम सीलिंग वाले रास्ते से चलना स्टार्ट कर दिए। ओ नो, तो गाइस हमारा जो है टैंक वो एरोप्लेन से टकरा गया और एरोप्लेन में ब्लास्ट हो गया। तो गाइस, हमारे टैंक को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तो गाइस, इसीलिए मैं बोल रहा था ना, हमारा टैंक बहुत ही पावरफुल है। अब इस सीलिंग के रास्ते से हम चलेंगे अपने टैंक को वेगा क्राइम सिटी के अंदर लेकर चल के उतारेंगे। ओ नो यार, हमारा पूरा टैंक ही पलट जा रहा है। यहाँ पर बहुत ही सावधानी से हमें चलना है। तो गाइस, वो UFO जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, जो कि आसमान से गिरा हुआ है और वहाँ पर बहुत सारे रोबोट उस UFO की रक्षा कर रहे हैं। गाइस, सब्सक्राइब नाउ माय चैनल, नेक्स्ट वीडियो यू पे। गाइस, हम वेगा क्राइम सिटी के अंदर आ चुके हैं। अब यहां से हमें UFO जहां पर है उस वाले रोड पर अपने टैंक को ले चलना है। तो गाइस, हम अपने टैंक को घुमाते हैं और उस वाले UFO वाले रोड को लेकर चलते हैं। तो गाइस, UFO जो है एक बहुत ही वीरानी जगह पर गिरा हुआ है। वहाँ पर घर नहीं, वो बिल्कुल समुंदर का किनारा है और वहाँ पर कोई भी घर नहीं है गाइस, सिर्फ एक बंगला टाइप का है, वो भी वो एलियन लोगों के लिए बना लिए हैं। तो गाइस, हमारा टैंक जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गाइस हम पार्क में चले गए हैं। अब गाइस, हम UFO वाले रोड पर आ चुके हैं। अब गाइस, इस रोड से हमें सीधा चलना है। तो हमारे सामने जितनी भी गाड़ियाँ आ रही सब ब्लास्ट हो जा रही हैं, क्योंकि हमारा टैंक जो है वो बहुत ही पावरफुल है। तो गाइस, हमने पीछे एक सीलिंग छोड़कर आया, सामने हमारे दूसरा सीलिंग का आपको दिखाई दे रहा होगा। इस सीलिंग को जैसे ही पार करेंगे वैसे UFO का एक एरिया, वो देखिए गाइस जो सामने हमारे रोड दिख रहा है जहाँ से एक कार जा रही, यही है UFO को जाने वाला रास्ता। तो गाइस, यहाँ पर वेगा क्राइम में सिक्योरिटी जो है उसने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी है कि कोई इसके अंदर ना जाए, इसके अंदर जाना मना है गाइस। तो गाइस, देख लेंगे आप लोग कि मैं सिक्योरिटी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए अंदर जा रहा हूँ। तो गाइस, हमारा टैंक वेगा क्राइम सिमुलर में UFO के एरिए में आ चुका है। अब गाइस, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बहुत ही जल्द UFO। तो गाइस, हमने सबको ख़त्म कर दिया। ए, अब आपको दिखाता हूँ सरप्राइज, वो देखिए सामने गाइस UFO जो गिरा हुआ है सामने हमारे, देखिए गाइस रोबोट आना स्टार्ट हो गया है जो कि इस UFO की रक्षा करते हैं।
ये छोटा सा बंगला है जो कि UFO के सारे सिक्योरिटी इस बंगले में रहते हैं। ये देखिए गाइस, ये कार नहीं है, ये है रोबोट जो UFO की रक्षा कर रहा है। देखिए अभी ये रोबोट बनकर हमारे सामने आएंगे। तो गाइस हम टैंक के अंदर हैं इसलिए UFO छोटा दिख रहा है, उसके पास चलेंगे ये काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर देखिए गाइस वीराना है बिल्कुल, ये समुंदर का किनारा। ये देखिए गाइस रोबोट आ गया, लेकिन इसे नहीं पता कि मैं टैंक लेकर आया हूँ। ये देखिए गाइस एक बार में ही इसे हमने ख़त्म कर दिया। अब गाइस आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें। तो गाइस मैं आपको अगली बार दिखाऊंगा UFO के ऊपर जाकर, और ऊपर जाने के लिए गाइस हमारे पास रहेगा हेलीकॉप्टर। तो गाइस आप लोग जो अगली वीडियो में बनाऊंगा उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा, और गाइस आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई। ये देखिए गाइस कार हमारे सामने आ गया और रोबोट बन गया, अब इसे मैं ख़त्म करता हूँ। तो गाइस अगर मैं टैंक लेकर ना आया होता तो अब तक कब का ये लोग हमारा गेम ओवर कर चुके होते, लेकिन गाइस इसलिए मैंने टैंक लेकर आया और ये लोग बेचारे नाकाम।